गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, हम लोग जनरल इंजीनियरिंग बीएमसी पोर्शन को देख रहे हैं। मतलब बच्चों, जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए, बीएमसी पोर्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए सिविल पोर्शन के भाग को देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये जो आपका वीडियो जा रहा है, ये बच्चों जनरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मैकेनिकल फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर बीएमसी स्टूडेंट के लिए, जो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर है, जो जिनका बीएमसी सब्जेक्ट है, ये दोनों कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो इसमें हम बच्चों आपका दो पोर्शन में है, एक आपका जनरल इंजीनियरिंग में जैसे आप पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप एक इलेक्ट्रिकल पोर्शन को और एक सिविल पोर्शन को पढ़ रहे हैं, ठीक। बीएमसी वाले बच्चे, जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, वो आप मैकेनिकल और सिविल के भाग को देख रहे हैं। तो मैं आपको सिविल के पोर्शन को कवर कर रहा हूँ। तो इसमें बच्चों अब तक सिविल पोर्शन में आपका यूनिट 4, हम सिविल पोर्शन की बात करें तो यूनिट 4 मतलब लास्ट यूनिट, अगर हम टोटल कॉमन सब्जेक्ट की बात करें जनरल इंजीनियरिंग की, तो 12वां नंबर चैप्टर अर्थात ये जो है आपका आज लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट होगी बच्चों। तो इस पे हम जो है, इस यूनिट पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से, उस पे हम फोकस करते हैं। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा बेसिक फंडा समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर और वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है तो उस पे हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों देखिए, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, ध्यान रखिएगा RCC, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब बच्चों कंक्रीट, अभी आपने पिछले चैप्टर में कंक्रीट पढ़ा था, तो कंक्रीट में क्या होता है बच्चों, कंक्रीट में जब इस्पात उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो वह जो है RCC बन जाता है बच्चों। कहने का मतलब ये बच्चों, जब सीमेंट, ठीक है, सीमेंट और आपका महीन मिलावा, आप कह सकते हैं सैंड प्लस, ठीक है, एग्रीगेट स्टोन ब्लास्ट आप जिसे बोलते हैं स्टोन ब्लास्ट, ठीक है, और इसके साथ स्टील जोड़ दिया जाए, इन चारों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको कम्बाइंड करके जो ठोस पदार्थ बनता है उसे ही RCC कहा जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं, वही चीज़ें मैं जब आपको बताया, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना है कि बच्चों जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट जो होती है उसकी संपीड़न सामर्थ्य 70 से 80 या 90% तक आपकी होती है, संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है, संपीड़न सामर्थ्य होती है। लेकिन बच्चों जो टेंसाइल सामर्थ्य होती है, टेंसाइल सामर्थ्य जो होती है उसकी कम होती है, लगभग 10% ही होती है। इसीलिए हमें जो है टेंसाइल को मजबूत करने के लिए हमें रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना होता है, ताकि जो है वो जो है कंप्रेसिव के साथ साथ टेंसाइल में भी मजबूत हो सके। इसीलिए बच्चों जो है RCC का प्रोवाइडेशन किया जाता है। पहले आप देखते होंगे RB की छत बनती थी बच्चों, लेकिन आज कोई भी कार्य हो रहा है तो RCC का कार्य हो रहा है बच्चों, आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है बच्चों कि ये चीज़ देखिए कि सीमेंट कंक्रीट में, ये देखिए सीमेंट कंक्रीट प्लस प्रबलन, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट में प्रबलन में अर्थात यहाँ पे देखिए RCC अर्थात सीमेंट कंक्रीट। अभी मैंने आपको बताया सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब सीमेंट कंक्रीट में जब आप स्टील जोड़ देंगे, प्रबलन जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, RCC बन जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही चीज़ इन्होंने बताया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि जो प्रबलन के रूप में इस्पात हम क्यों प्रयोग करते हैं, स्टील ही क्यों लिया जाता है, तो इसके कारण ये है कि इतनी जो है ये आसानी से उपलब्ध होता है, इससे बॉन्ड अच्छा बनता है, यह जो है इसकी इलास्टिसिटी जो है बच्चों उच्च होती है, ठीक है। तो इस कारण जो है हम लगभग जो है स्टील का प्रोवाइडेशन करते हैं। तो और बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रबलन के रूप में जो इस्पात प्रयोग होता है, ध्यान रखिए ये इस्पात प्रयोग होते हैं माइल्ड स्टील,
मृदु इस्पात जिसे आप कहते हैं, मीडियम टेंसाइल स्टील और हाई टेंसाइल स्टील और हार्ड रामेंट स्टील आप जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बच्चों आपसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील, ठीक है, आपसे ऐसे ही दे देगा बच्चों कि Fe 250 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe 250 क्या बता रहा है बच्चों, ग्रेड बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है माइल्ड स्टील है, क्या है, मृदु इस्पात है। इसका कोड बच्चों ध्यान रखिएगा, IS 432-1147 जो है कोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट मध्यम इतना इस्पात बच्चों IS 432-1147 के अकॉर्डिंग जो है मीडियम टेंसाइल स्टील होता है। ठीक है, और जो है हाई टेंसाइल स्टील की बात करें बच्चों, तो हाई टेंसाइल स्टील जो है यह जो कोड होता है IS जो है 1139। ठीक है, उच्च तनन जो इस्पात है इसका जो कोड होता है IS कोड बच्चों 1139 के अकॉर्डिंग होता है। मध्यम का जो कोड होता है IS 432-1139 के अकॉर्डिंग होता है, और जो माइल्ड स्टील होता है वो IS 432-1139 के हिसाब से होता है। तो दोनों देखिए, माइल्ड स्टील और मीडियम का जो है कोड ये होता है। ठीक है, तो आपको बहरहाल आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा बच्चों, आपके अकॉर्डिंग जो है ये ध्यान रखना है, मृदु इस्पात Fe 250 कह देगा, ऑप्शन में दे देगा, तो वो क्या आपसे कहेगा Fe 250 मृदु इस्पात है, मध्यम इस्पात है, उच्चतन इस्पात है। तो आप ध्यान रखिएगा Fe 250 क्या है बच्चों, मृदु इस्पात है। ठीक, और जो है मध्यम इस्पात में जो है ये दिखा रहा है, उच्च में जो है आपको दो ध्यान रखना है, उच्च इस्पात में ग्रेड Fe 415 और Fe 500 जो है होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका टाइप्स ऑफ स्टील जो है इस्पात जो है इतने ग्रेड में होता है। ठीक है, और ये आप ध्यान रखिएगा, ये वाला उच्च सामर्थ्य वाला इस्पात, इस्पातीय तार, हाई स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर्स। ठीक है, उच्च सामर्थ्य वाला इस्पातीय तार, हाई स्टील स्ट्रेंथ स्टील वायर्स। ठीक, उच्च सामर्थ्य वाला इस्पाती तार। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों ये फुल फार्म आपसे पूछ लेगा, आपको ऐसे दे देगा। ठीक है, HSSVW से आप क्या समझते हैं इस बात में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है बच्चों पूछ सकता है, तो इसलिए जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो उच्च में आप दो याद करिएगा, Fe 415 और Fe 500, ये जो है हाई ग्रेड के अंतर्गत आएंगे बच्चों। ठीक है, किसके ग्रेड के अंतर्गत आएंगे, हाई ग्रेड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना आप इस वीडियो में अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को लेकर उपस्थित होते हैं।